नमस्कार बच्चों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस वन की फिजिक्स पढ़ रहे थे और कल अपने कुछ बेसिक बातें की थी, जैसे अपने पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और कल अपने कुछ बेसिक बातें की थी इसकी। फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसेस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स की परिभाषा पढ़ी थी, इसके अलावा हम लोगों ने फिजिक्स की ब्रांचेज पढ़ी थी कि फिजिक्स की ब्रांचेज कितनी होती है, किस प्रकार से वो डिवाइड होती है, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था मापन की आवश्यकता। ठीक है, अब अपना मापन वाला पार्ट जो है वो इसका शुरू होता है, और आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है भौतिक राशियां। अपना टॉपिक है भौतिक राशियां। ठीक है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट आपका इस जगह से शुरू होता है, और ये टॉपिक जो है वो है भौतिक राशियां। इस जगह से आपकी 11वीं क्लास की जो फिजिक्स है उसकी शुरुआत होती है भौतिक राशियों से। तो सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियों का मतलब होता है वो सभी राशियां जिनका कोई एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, वो राशियां जिनका कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान होता है क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। दूसरा, इन राशियों को जरूरी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनको मापा जा सके। तो वो सभी राशियां जिनका कोई एक संख्यात्मक मान होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सके, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों को अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है मूल भौतिक राशियां और दूसरी जो है वो होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, एक तो मूल राशियां और दूसरी जो है वो है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, तो अपने भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक तो मूल भौतिक राशियां और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल भौतिक राशियों की। तो मूल भौतिक राशियां जो है ये वो राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। ये सभी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती वो सभी राशियां क्या कहलाती है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। और दूसरे अपने पास में होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये वो राशियां होती है जो किसी न किसी तरीके से मूल राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अपने पास में दो प्रकार की राशियां होगी, एक तो हो गई मूल भौतिक राशियां और दूसरी अपने पास में होगी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। एक यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि राशियां जो है इनका वर्गीकरण अपने एक और प्रकार से भी करते हैं, दिशा के आधार पर भी अपने इनका वर्गीकरण करते हैं। जो सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ोगे, आने वाले टाइम में जब आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो उनमें दिशा के आधार पर भी अपने इनका वर्गीकरण करेंगे। वहां मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक बार सिर्फ बता रहा हूं कि दिशा के आधार पर भी अपने क्या करेंगे, आने वाले टाइम में वर्गीकरण करेंगे इनका, जो अपने सदिश और अदिश दो प्रकार की भौतिक राशियां होगी। ठीक है, ये अपने सेकंड चैप्टर के अंदर आने वाले टाइम के अंदर पढ़ने वाले हैं कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो दो प्रकार से सदिश और अदिश भौतिक राशियां होती है। दूसरा, अपने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं ये अपने मात्रकों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अपने भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांट देते हैं, एक मूल राशियां हो जाती है और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो जाती है। मूल राशियां ये वो राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। तो जो अपने पास में ये राशियां, ये कौन सी होती है, ये वो राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर
नहीं करती। और व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती है जो निर्भर करती है किस पर, जो निर्भर करती है अपने मूल राशियों पर। ठीक है, ये अपने पास में दो प्रकार की राशियां होगी। सीधा अगर आपसे पूछे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो वो सभी राशियां जिनका कोई एक संख्यात्मक मान होता है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, वो सभी राशियां क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, इसके अलावा अगर अपने बात करें मूल राशियों की, कि जो मूल राशियां हैं अपने पास में ये कौन कौन सी होती है, तो मूल राशियों के अंदर अपने इसे लिख देता हूं, मूल राशियों के अंदर अपने पास में जैसे लंबाई आ गई, ताप आ गया, समय आ गया, ये सभी किस प्रकार की राशियां होती है, मूल राशियां होती है। और व्युत्पन्न राशियां वो सभी राशियां जो इनसे मिलकर के बनी हुई होती है, जैसे चाल हो गया, चाल चाल वेग त्वरण बल दाब, वो सभी किसमें आ जाते हैं, अपने व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अंदर आ जाते हैं। दूसरा अगर इसे आप देखो, चाल का सूत्र आप सभी जानते हो, उसके अंदर अपने एक तो दूरी काम में लेते हैं और एक अपने समय काम में लेते हैं। तो समय और दूरी जब अपने काम में ली, तो अपने किसको काम में ले रहे हैं, मूल भौतिक राशियों को काम में ले रहे हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां किस पर डिपेंड कर रही है, अपने मूल जो राशि उन पर डिपेंड कर रही है। तो ये अपने पास में इन राशियों का वर्गीकरण आ जाता है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि मातृक जो होते हैं वो मातृक क्या होते हैं, तो देखते हैं आगे अपने मातृक क्या होते हैं। देखो मातृक अपना टॉपिक है, मातृक यानी अपने जो अभी भौतिक राशियां दी है, उन भौतिक राशियों का अपने को क्या करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। और मापन जिसके द्वारा अपने करेंगे वो क्या होंगे, मातृक होंगे। देखो मातृक अपने कैसे बनते हैं, अपने क्या करते हैं, जो भौतिक राशि है, जो भी अपने पास में भौतिक राशि है, उसका अपने क्या कर लेते हैं, एक परिमाण ले लेते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि है उसके परिमाण का क्या कर लेते हैं, कोई एक मानक ले लेते हैं, और उस मानक को क्या कर देते हैं, अपने कोई नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या कहलाता है, वो नाम उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सीधा समझाता हूं आपको। जैसे देखो अपने क्या करना है, किसी मात्रक की बात करनी है, जैसे अपने क्या करना है, केजी की बात करनी है, तो केजी की बात करनी है तो अपने क्या करना पड़ेगा, जो वजन की बात कर रहे हैं, मतलब केजी की बात कर रहे हैं, वजन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की अपने बात कर रहे हैं, तो अपने द्रव्यमान का क्या करना पड़ेगा, कोई एक परिमाण लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस परिमाण को अपने क्या कर लेंगे, मानक मान लेंगे, और उसी के आधार पर अपने क्या कर देंगे, उसको एक नाम दे देंगे, जिसको अपने क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। ठीक है, आगे अपने डिटेल से इसे देखेंगे कि केजी कैसे लिया गया है, मीटर कैसे लिया गया है, तो आप क्या दीजिए और समझ में आ जाएगा। एक होता है मानक मात्रक, मानक मात्रक, मानक मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि के परिमाण के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को अपने क्या कहते हैं, मूर्त रूप को अपने क्या कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को अपने क्या बोलेंगे, मानक मात्रक बोलेंगे। अब अगर अपने देखा जाए कि किसी भी भौतिक राशि को अगर अपने व्यक्त करें, जैसे अपने पास में कोई एक भौतिक राशि है, मान लेते हैं अपने पास में एक्स क्या है, कोई एक भौतिक राशि है, यदि अपने को इस भौतिक राशि को व्यक्त करना हो तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, देखो जब भी अपने इस भौतिक राशि एक्स को व्यक्त करेंगे तो अपने दो चीजें इसके अंदर लिखेंगे, एक तो लिखेंगे एन, एक लिखेंगे यू। ठीक है, एन का मतलब हो गया इसका कोई एक संख्यात्मक मान, संख्यात्मक
तापमान, यू का मतलब हो गया यूनिट इकाई, एक्स का मतलब हो गया भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो अपने क्या लिखा, अपने लिखा एक्स इक्वल एन यू, एक्स का मतलब भौतिक राशि, एन का मतलब संख्यात्मक मान, यू का मतलब इकाई। जैसे देखो अगर जनरल लेवल में अपने बात करें तो आप लोग लिखते हो 5 kg, आप लोग लिखते हो 5 meter, आप लोग लिखते हो 10 seconds, इसी तरीके से आप लोग लिखते हो 50 kelvin। तो अपने यहां जो लिख रहे हैं, यहां आप लोग देख सकते हो ये जो मान आ रहे हैं ये सभी क्या है, संख्यात्मक मान है। जो अपने संख्या लिख रखी है ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। इकाई की बात करें जैसे केजी, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, ये सभी क्या है, इकाई है यानी यूनिट है यानी मात्रक है इसकी। तो ये मात्रक आ जाते हैं इसके और ये इनका एक संख्यात्मक मान आ जाता है। इस प्रकार से अपने किसी भौतिक राशि को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे 5 किलो वजन तोलना हो, 6 किलो तोलना हो, 7 किलो तोलना हो, यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितने भी मीटर ले सकते हैं अपने, यहाँ कितने भी सेकंड हो सकती है और यहाँ कितना भी केल्विन हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। ये भौतिक राशि को व्यक्त करने का एक तरीका है। यहाँ आप एक चीज और समझो, इस जगह देखो ये तो भौतिक राशि है, अपने भौतिक राशि के अंदर एन और यू का मल्टीप्लाई जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। यानी अपने यदि लिखें एक्स इक्वल एन यू, तो एन और यू का मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन और यू एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एन और यू एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती का, इनमें से यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, और यदि दूसरा कम हो रहा है तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये कौन से अनुपात में, ये व्युत्क्रमानुपात में होता है, ठीक है। एक समानुपात होता है, एक व्युत्क्रमानुपात होता है। अगर ये सीधा ऊपर लिखा हुआ होता जैसे एन समानुपाती, अगर यू होता तो वो समानुपाती होता, फिर यदि यू बढ़ता तो एन बढ़ता, पर अभी यहाँ क्या है, यहाँ लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती। यदि यू बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, एक में बड़ी संख्या भाग जाएगा तो सब जो संख्या है वो क्या आएगी, छोटी आएगी। तो एन यहाँ क्या है, यू के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग क्या करते हो, मात्रक बढ़ा लेते हो, अगर आप लोग क्या करते हो, मात्रक बढ़ा लेते हो, तो मात्रक बढ़ा लेने पर जो संख्यात्मक मान आएगा, मात्रक बढ़ा लेने पर जो संख्यात्मक मान आएगा वो क्या आएगा, छोटा आएगा। आई बात समझे, यानी एन यू तो अपने कॉन्स्टेंट है, पर अगर अपने मात्रक बढ़ा लेंगे तो उसका संख्यात्मक मान क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। अगर अपने उल्टा करें, जैसे मात्रक यदि अपने क्या करें, मात्रक को अगर अपने छोटा लें तो ये क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा मैं आपको कि यहां पर अपने क्या बोल रहे हैं। देखो मेरे कहने का मतलब ये हुआ अपने कोई वजन ले रहे हैं, जैसे 5 kg वजन लिया आपने, अपने क्या किया 5 kg वजन लिया, अपने इसे फिक्स रख रहे हैं। अपने पास में कोई एक पात्र है जिसके अंदर 5 kg जो है वो द्रव्यमान रखा हुआ है, तो इस 5 kg को यहां ये 5 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, केजी लिखा हुआ है। ये भी अपने इसकी तुलना करें किससे, ग्राम से करें, किससे तुलना करें, ग्राम से करें। तो आपको पता है कि जो अपने पास में केजी है, यदि मैं इसको ग्राम में बदल दूंगा तो सीधी सी बात है ये जो मान है अपने पास में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो कितना बढ़ेगा, ये 5 kg है, यहां पर कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं क्या कर देता हूँ, यहां पर 5 kg लिखा हुआ है और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ग्राम में बदल देता हूँ, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या कर देते हैं, इनको आपस में बदल देते हैं। और अगर अपने बात करें मीटर की, अगर बात कर लें, यदि अपने पास में
एक मीटर लिखा हुआ है, और यदि मैं इसे क्या कर देता हूँ 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो एक मीटर लिखने के बाद में मैंने इसे क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो मान तो ये बराबर ही है, जितना एक मीटर होता है उतना ही क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। पर यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो मीटर के साथ में मात्र मीटर के साथ में जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या अपने पास में क्या है छोटी है, यानी मीटर के साथ में संख्या क्या है छोटी है, पर सेंटीमीटर के साथ में जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है बड़ी है। सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है और मीटर जो है वो इसकी तुलना में बड़ा मात्रक होता है, यह मात्रक बड़ा है तो संख्या छोटी है, यह मात्रक छोटा है संख्या जो है वो क्या है बड़ी है। यानी इस प्रकार से अपने देख सकते हैं एन और यू एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपने एक्स इक्वल एन यू कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ, यदि मात्रक बड़ा संख्या छोटी आएगी, और अगर मात्रक छोटा हुआ इसके साथ में जो संख्या लिखी हुई है वो क्या आएगी बड़ी आएगी। इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं मात्रकों को लिख सकते हैं, ये मात्रक लिखने का एक तरीका है। इसके बाद में अपने जो मात्रक लेते हैं उस मात्रक का चुनाव करते टाइम अपने को बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। अपने देखते हैं कि किसी भी मात्रक को लेते समय किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। यदि अपने मात्रक का चुनाव करें तो अपने को कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे देखो मात्रक जो अपने ले रहे हैं वो मात्रक अपने जो मात्रक ले रहे हैं उस मात्रक में कुछ एक गुण होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने कोई एक बात निर्धारित कर दिया, जैसे 1 kg का अपने एक बात निर्धारित कर रखा है। अब ये जो मात्रक है ये मात्रक इस प्रकार का होना चाहिए कि इस पर ताप दाब का कोई फर्क ना पड़े। जैसे अपने 1 kg का वाट लिया है, इस पर ताप दाब आदरता इन सब का ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि 1 kg को अपने गर्म स्थानों पर अगर तोल रहे हैं तो ये कुछ और वजन बता रहा है, और इसी 1 kg को उठा करके यदि अपने इसे ठंडे स्थानों में ले जाए तो 1 kg जो वो बदल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो मात्रक है इसका आकार जो है वो सुविधाजनक आकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने जैसे 5 या 10 kg या 20 kg के बाट की बात करें, 5, 10 या 20 kg के बाट की बात करें और इनका आकार अपने इतना बड़ा कर दे कि इनको काम में लेना क्या जाए मुश्किल हो जाए, ऐसा मात्रक के साथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी अपने जो मात्रक ले रहे हैं जिस भी मात्रक को अपने काम में ले रहे हैं, जैसे 5 kg, 10 kg, 20 kg अपने काम में ले रहे हैं, जिस भी बात को अपने काम में ले रहे हैं उसके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बात जो है वो ऐसा हो जिसको काम में लेने क्या हो असुविधाजनक हो। दूसरा ये आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, प्रत्येक जो है आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ऐसी धातु काम में नहीं लेनी चाहिए जिससे क्या हो इसको काम में लेने में असुविधा हो। जैसे यदि अपने इसे काम में लिया जाए तो ऐसा ना हो कि इसे काम में लेते समय जैसे अपने इसे किसका बना दिए सोने का बना दे या किसी और धातु का जैसे चांदी का सोने का ऐसा बना दे जिससे कि साधारण लोगों तक इस मात्रक की पहुंच जो है वो क्या जाए दूर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी मात्रक के साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ एक बातें हैं जिनको अपने क्या करते हैं ध्यान में रखते हैं जब भी अपने मात्रक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ एक बातें और कर लेते हैं अपने। कुछ बातें और कर लेते हैं मात्रक के बारे में, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की 3 पद्धतियां होती है, यह आप सभी को पता है कि मात्रक जो है उनकी 3 पद्धतियां होती है। देखो कुछ एक बातें मैं आपको साथ में और बता देता हूँ। यहाँ अपने ये जो शुरुआत के चैप्टर पढ़ने वाले हो यानी फिजिक्स फर्स्ट में आप लोग जो भी चीजें पढ़ने वाले हो ये सारी बातें ऐसी है। अब जितनी फिजिक्स पढ़ते रहोगे लगभग केमिस्ट्री भी अगर आप पढ़ोगे उसके अंदर भी जनरल लाइफ में आप कुछ चीजें देखोगे उनके अंदर भी यहाँ जो पढ़ने वाले हो वो हर एक जगह आपके काम में आने वाला है। जैसे मात्रकों की पत्तियां हो गई या मूल मात्रक वगैरह हो गए, ये सभी चीजें आपके हमेशा काम में आने वाली है, तो इनको आपको ढंग से समझना और याद रखना जरूरी है। यदि अपने बात करें मात्रकों की पद्धतियों की तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रकों की 3 पद्धतियां अपने प्रचलित असमानता है। एक का नाम है एम के एस, दूसरी का सी जी एस, तीसरी का
पी एस। तो मातृकों के अपने पास में कितनी पत्तियां है, मातृकों के अपने पास में तीन पद्धतियां हैं जो प्रचलित थी। देखो यहां एम के और एस लिखा हुआ है। मातृकों की इस पद्धति के अंदर एम का मतलब हो गया मीटर, एम का मतलब हो गया मीटर, और के का मतलब हो गया किलोग्राम्स, और एस का मतलब हो गया सेकंड। ये अपने पास में क्या है, मात्रकों की एमकेएस पद्धति। मात्रकों की एमकेएस पद्धति की अगर बात की जाए तो मात्रकों की एमकेएस पद्धति के अंदर अपने जो एम को लेते हैं इसका मतलब मीटर होता है, के को लेते हैं इसका मतलब किलोग्राम्स होता है, एस का मतलब क्या होता है सेकंड होता है। यानी मात्रकों की इस पद्धति के अंदर अपने जब भी किसी की लंबाई को मापना होगा तो लंबाई को अपने किसके अंदर मापेंगे, मीटर के अंदर मापेंगे, और जब भी अपने को किलोग्राम्स को नाप, जब भी अपने किसी का वजन नापना होगा तो अपने किसके अंदर नापेंगे, किलोग्राम्स के अंदर अपने नापेंगे। और यदि अपने सेकंड की समय की बात करें तो समय को अपने किसके अंदर नापेंगे, सेकंड्स के अंदर नापेंगे। ठीक है, तो मात्रकों की इस पत्ति के अंदर अपने क्या करते हैं, इसे मीटर के अंदर, इसे केजी के अंदर, इसे अपने किसके अंदर नापते हैं, सेकंड के अंदर नापते हैं। मात्रकों की दूसरी पत्ति की बात कर लेते हैं। ये देखो ये जो शुरुआत के नाम लिखे हैं इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसे किसके रूप में मापते हैं। इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी ये मत कर देना कि आप इन्हें रखना शुरू कर दो। जनरली जब आप लोग क्या करोगे, मात्रकों को काम में लेते जाओगे तो जैसे जैसे मात्रकों को काम में लेते जाओगे, जैसे जैसे फिजिक्स को आगे पढ़ते जाओगे, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा। इस पत्ती की अगर बात करें तो इसके अंदर लंबाई जो है इसमें मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं, और वजन जो है इसको किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, और समय को सेकंड के अंदर नापते हैं। इस पत्ती के अंदर अगर अपने देखें तो लंबाई जो है इसे फुट में, वजन को पाउंड में, और इसे अपनी सेकंड में नापते हैं। अगर जनरली बात करें अपने तो फिजिक्स के अंदर अपने एमकेएस को काम में लेते हैं, हालांकि एक पत्ती अभी अपने और पढ़ेंगे आगे, एमकेएस का विस्तृत रूप है, फिजिक्स को तो उसी में काम में लेते हैं, पर जनरली अपने फिजिक्स में एमकेएस पत्ती को काम में ले लेते हैं। यदि सीजीएस पत्ती की बात करें तो सीजीएस के अंदर आपको दिख रहा होगा ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, तो सेकंड तो समय चलो कॉमन है, तो फिजिक्स के अंदर अपने इतने छोटे मात्र काम में तो लेते हैं, पर समय अपने बहुत कम काम में लेते हैं। जैसे अपने को दूरी नापनी हो, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नापनी हो तो सेंटीमीटर में नापना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ग्राम में अपने तो वजन काफी बड़े बड़े नापते हैं, यहाँ तक कि अपने पृथ्वी का, सूर्य का, इन सब के वजन की बात करते हैं तो ग्राम में नापना उनको काफी मुश्किल हो जाता है। लिखते टाइम संख्यात्मक मान जो वो काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए अपने उसको बहुत कम काम में लेते हैं। अगर अपने छोटे माप, छोटा कुछ मापना हो तो उसमें अपने क्या करते हैं, सीजीएस पत्ती को काम में लेते हैं। एफपीएस पत्ती बहुत कम प्रचलित है, बहुत कम अपने इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये मात्रकों की अपने तीन पत्तियां आपको देखना है कि मात्रकों की तीन पत्तियां एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। देखो सेकंड तो सबके अंदर आ रहा है, इसके अंदर किलो, इसमें ग्राम, इसमें पाउंड, इसमें मीटर, सेंटीमीटर और फुट, इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इन तीनों को माप रहे हैं। अब एक बात आपको दिख रही होगी कि इनके अंदर तो सिर्फ तीन मात्रकों की बात की गई है, इनकी सहायता से तीनों की एक साथ बात करें आप लोग क्या कर सकते हो, लंबाई का नाप सकते हो। ये देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, लंबाई को नाप सकते हो, यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, वजन को नाप सकते हो, और यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, समय को नाप सकते हो। अपने इन सिर्फ तीनों की बात करती है ये तीनों पत्तियां, ये पत्तियां जो है ताप वगैरह की बात यहां पर नहीं कर रही है। तो अपने ये जो पद्धतियां इनको समन्वय यांत्रिकी के अंदर तो काम में ले सकते हैं, यांत्रिकी, कल मैंने आपको फिजिक्स की ब्रांच बताई थी उसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि यांत्रिकी जिसके अंदर अपने गति का, विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा थी, यांत्रिकी थी। इसके अंदर अपने लंबाई, द्रव्यमान और समय को काम में लेते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन तीनों पत्तियों की सहायता से लंबाई को नाप सकते हो, द्रव्यमान को नाप सकते हो और समय को नाप सकते हो। पर इसके अलावा अगर अपने को बात करनी हो तो यहां से इनको नापना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने एमकेएस पत्ती जो है, एमकेएस पत्ती का एक विस्तृत रूप पढ़ते हैं, एक नया रूप पढ़ते हैं जिसको अपने बोलते हैं मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पत्ती, एसआई सिस्टम अपने जिसे बोलते हैं।
ठीक है। तो अपने मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पट्टी जो है उसको काम में लेते हैं, जिसके अंदर अपने 7 मूल मात्रक बताए गए हैं, 2 पूरक मात्रक बताए गए हैं और बचे हुए सारे मात्रक कौन से हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाते हैं। तो अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाली है, जिसके मात्रक वगैरह आपको हमेशा याद रखने हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ 11वीं क्लास की अपने बात कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो या जितने भी टॉपिक आप लोग देख रहे हो, ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि आप इसे +1 का मान करके चल रहे हो। जब तक आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको इन सभी टॉपिक को याद रखना है, ये सभी टॉपिक आपके लगातार काम में आते रहेंगे। वो अलग बात है कि रोजाना आप जब इसमें काम में लोगे ये अपने आप आपके याद हो जाएंगे। तो ये मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पट्टी, अपने सबसे ज्यादा इसी को काम में लेते हैं। तो अपने आगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपने मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो इसके बारे में अपनी थोड़ी बात कर लेते हैं, बची बात अपने नेक्स्ट नए वीडियो में जो कल अपलोड होगा उसमें बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें आपको बताऊं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे अपने बोलते हैं मात्रकों की SI पद्धति। देखो अपने एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्था है जो पेरिस के अंदर है, उसने क्या किया, मात्रकों की एक नई पद्धति को विकसित किया है जो MKS पद्धति का ही क्या है, एक विस्तृत रूप है। जो अपने अभी MKS पद्धति पढ़ी है इसी का क्या है, एक विस्तृत रूप है, जिसे अपने SI पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके अंदर अपने क्या होता है, 7 मूल मात्रक आते हैं। इसमें क्या है, 7 मूल मात्रक लिए गए हैं, 7 इसमें मूल मात्रक लिए गए हैं। तो मात्रकों की SI पद्धति में क्या किया गया है, 7 मूल मात्रकों को काम में लिया गया। इसके अंदर 2 पूरक मात्रकों को भी शामिल किया गया है, 2 पूरक मात्रक जो है उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इस पद्धति के अंदर बचे हुए जो मात्रक है वो कौन से आ जाते हैं, वो मात्रक आ जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यदि अपने बात करें 7 मूल मात्रकों की, कि 7 मूल मात्रक कौन से, अपने एक टेबल बनाएंगे उसके अंदर ढंग से इन्हें देखेंगे 7 मूल मात्रकों को। फिर भी थोड़ा बहुत आपको 7 जो मूल मात्रक है इसके बारे में बता देता हूँ कि ये कौन कौन से लिए गए हैं। तो 7 मूल मात्रकों के अंदर एक तो लिया गया है लंबाई का, एक लिया गया है द्रव्यमान का, तीसरा लिया गया है समय का, चौथा लिया गया है ताप का, आगे लिख देता हूँ, पांचवा लिया गया है विद्युत धारा का, छठा लिया गया है ज्योति तीव्रता का, और जो 7वां लिया गया है वो लिया गया है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये क्या किए गए हैं, इसमें 7 मूल मात्रक जो है वो काम में लिए गए, 2 पूरक मात्रक भी लिए गए, एक तो समतल कोण, चलो लिख देता हूं 7 के साथ, एक तो समतलीय कोण और दूसरा लिया गया है घन कोण, ठोस या घन कोण। ये क्या किया, ये क्या किया गया, इसमें 2 पूरक मात्रकों को शामिल किया गया। ये जो शुरुआत के 4 और ये 3 है, ये तो अपने पास में कौन से मात्रक है, ये तो अपने पास में मूल मात्रक है, और ये जो 2 मात्रक है ये अपने पास में कौन से मात्रक है, पूरक मात्रक है। तो ये दोनों मात्रक जो है वो कौन से है, वो है पूरक मात्रक, और ये अपने पास में कौन से मात्रक है, ये है मूल मात्रक। तो इन मात्रकों को अपने शामिल किया गया। इसके बाद में अपने कल देखेंगे इनके प्रतीक भी बताए गए हैं, जैसे लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई का प्रतीक क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, समय का क्या होता है, ताप का, धारा का, ज्योति तीव्रता का और पदार्थ की मात्रा का, इन सबके प्रतीक जो है वो भी बताए गए हैं।
और इनकी बीमा जो है उनको भी बताया गया है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।